हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज हम बनाएंगे दाल बाटी और बैंगन का भरता। और नहाकर मैं किचन में ही आ गई हूँ, तो ये देखिए कंघी वगैरह कुछ भी नहीं की है। तो चलिए पहले हम खाना बना लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने रख दिए हैं बैंगन को सिकने के लिए गैस पर। और ये दाल उबल चुकी है, अभी मैंने चेक नहीं की है कि उबली है नहीं, थोड़ा ठंडा हो जाएगा। इसके बाद मैं कुकर खोल कर देखूंगी। और इसके साथ ही मैं रख दूंगी टमाटर। आज मैं टमाटर भी सेक कर बैंगन के भरते में डालूंगी। वैसे मैं तेल में फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं सेक कर ही बनाऊंगी। इससे क्या होता है, टमाटर का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, बैंगन का भरता बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं दाल उबली है या नहीं, नहीं तो उसमें एक दो सीटी और लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, दाल अच्छे से उबल चुकी है, अब इसको मुझे बस छौंकना है। तो दोनों काम हो गए हैं, तो पहले मैं आटा और लगा लूँ बाटियों का, इसके बाद दाल छौंकूंगी। और बाटी भी बनाकर गैस पर सिकने के लिए रख देती हूँ ओवन में। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ओवन भी रख दिया था, आटा लगाकर बाटी भी बना ली है। और ओवन गर्म हो गया था, तो फिर मैंने कहा चलो बाटी जिद बनाती भी जा रही हूँ और ओवन पर रखती भी जा रही हूँ, जिससे क्या होगा जल्दी से सिक जाएंगी। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बैगन भी सिक चुके हैं। तो बस मैं अब गैस बंद कर देती हूँ। और यहाँ पर मैं बाटियों को पलटती जा रही हूँ, क्योंकि बाटियाँ बहुत जल्दी से जल जाती हैं, तो अच्छी नहीं लगती हैं बच्चों को भी और मुझे भी, इसीलिए मुझे उनको बार बार पलटना पड़ता है। बहुत तेज आंच होती है गैस की, तो जल्दी से बन भी जाएंगी। फिर मैं दाल और बैंगन का भरता मुझे छौंकना है। और जितनी भी बाटियाँ सिकती जा रही हैं, तो मैं उनको घी लगा कर डिब्बे में रख दूंगी, जिससे वो गर्म बनी रहें, क्योंकि गर्म गर्म ही अच्छी लगती हैं खाने में। ये देखिए फ्रेंड्स, जितनी भी बाटी सिक गई थी, तो मैंने घी लगाकर डिब्बे में रख दी हैं और डिब्बे को कर दिया है बंद। अब इतनी बाटी और रह गई हैं, ये भी सिक जाएंगी, तो इनमें भी मैं घी लगाकर डिब्बे में कर दूंगी बंद और दाल छौंक दूंगी गैस पर एक पकौर। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ्रेंड दाल भी छौंक दी है, अब बस दाल उबल जाए, इसके बाद भरता और छौंक दूंगी। और यहाँ पर अभी डाल देती हूँ मैं हरा धनिया। फ्रेंड, दाल उबल चुकी थी, तो मैंने कटोरे में खाली कर ली है और फिर से डाल दिया मैंने धनिए की पत्ती। और यहाँ पर देखिए बैंगन का भरते को भी मैंने छौंक दिया है और बन चुका है, तो इसको भी खाली कर लूँगी मैं कटोरे में। और इसमें भी डाल देंगे हम हरे धनिए की पत्ती। तो बस मैं बच्चों को पहले खाना दे दूँ फ्रेंड्स, इसके बाद आप लोगों से मिलूँगी, क्योंकि गर्म है तो खा लेंगे। और यहाँ पर देखिए, आप लोग पूछते हैं कि आपकी दूसरी गाय कहाँ है, तो ये है हमारी दूसरी गाय जो अपनी बेटी को दूध पिलाने के लिए आ गई है। क्या है, इनको हम बांध कर नहीं रख सकते, तो बस ये खुली घूमती हैं, इसीलिए मैं रोज वीडियो नहीं बना पाती हूँ इनका मैं, क्योंकि आपको पता है बांधने कहीं पर भी जगह नहीं है हमारे यहाँ पर, क्योंकि अंदर बांधती हैं तो ये लोग बहुत ज़्यादा फिसलती हैं। तो आप लोग देख लीजिए हमारी गुड़ी को और नैना की माँ को, नैना अपनी माँ का दूध पी रही है। ये सुबह शाम दोनों टाइम आ जाती है अपनी बेटी को दूध पिलाने के लिए टाइम पर। तो आप लोग मिल लीजिए मेरी गुड़ी से। फ्रेंड्स, हम लोग खाना से फ्री हो गए हैं सभी काम से, तो बस आ गई हैं गौरी।
तो मैंने गौरी अंदर ही आ गई थी, जबकि चुनिया बाहर ही बंधी है, लेकिन इसके बाद भी आज गौरी अंदर आ गई है, तो मैं पहले इसको बाहर निकाल दूंगी और बांध दूंगी, इसके बाद मैं चुनिया को छोड़ दूंगी, क्योंकि जब तक चुनिया नहीं हटेगी तब तक ये गौरी भी अपनी जगह पर नहीं जाएंगी। तो बस मैंने चुनिया को छोड़ दिया है और चुनिया पीने लगी हैं अपनी माँ का दूध। मैं जब तक बांध देती हूँ गौरी को, और आज अभी भी बाहर बंधी हुई हैं नैना और संतोषी, क्योंकि बारिश बंद हो गई है तो दोनों को बाहर बंद दिया था, और चुनिया भी बंधी हुई थी, लेकिन क्या है इस टाइम पर गौरी आती है, तो इसीलिए मैंने चुनिया को अंदर बांध दिया था, क्योंकि हम लोग अंदर थे खाना वगैरह खा रहे थे, तो मैंने कहा ये आएगी और चुनिया को दूध पिला देगी, इसीलिए मैंने चुनिया को अंदर बांध दिया था। तो आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए फ्रेंड्स, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं लगा ले रही हूँ गौरी का दूध, आप लोग फुल वॉच कीजिए। मेरे वजह कितने